إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम के मानने वालों में से बनाया और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी का उम्मती बनाया, वो नबी जिनके मुकाबले का कोई नबी नहीं गुजरा, सबसे अफजल, सबसे आला और सबके इमाम, इमामुल अंबिया व रुसुल, उस नबी का उम्मती बनाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मत के नबी हैं, उस उम्मत का भी ये हाल है कि वो उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल आला और खैर वाली है। जैसा कि कुरान करीम में ये बात मौजूद है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब दो तीन छोटे छोटे काम बता दिए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन को अल्लाह तौफीक देता है वो करते रहते हैं। वो है तामरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह की जात पर ईमान रखते हो। तो गोया हम तमाम उम्मतों में से आला उम्मत के फर्द हैं और तमाम अंबिया में से सबसे आला, अफजल और सबके सरदार नबी के उम्मती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन दिया है वो तमाम अदियान से अफजल आला और कामिल मुकम्मल दीन है, दीन इस्लाम, जिसके कामिल मुकम्मल होने की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम में सूरह मायदा आयत 3 में खुद इरशाद फरमाई है। गवाही क्या है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम पर अपने इस्लाम को, दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज मैंने तुम पर दीन तुम्हारा मुकम्मल कर दिया है, नेमत का इत्मीनान कर दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जिस दीन को पसंद किया है वो दीन दीन इस्लाम है। अब इस्लाम क्या है और क्या है जिसको इस्लाम का नाम दिया गया लेकिन वो इस्लाम नहीं है? आज की मजलिस में हम इसी बात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और उसके बाद हम अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मौका देंगे कि वो कुछ सवाल कर लें और जो बात हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाई समझाई है वो हम आपके सामने रख देंगे इंशाल्लाह। ये खैर उम्मत, ये उम्मत इस्लामिया इस वक्त इस हद तक बिदआत में घिरी हुई है कि सुन्नतें उन बिदआत के नीचे दबती चली जा रही है। साल के 12 महीने में हर महीना में, साल के 52 हफ्ते में हर हफ्ते में,
और साल के 360 दिनों में से हर दिन में तकरीबन बिदात मौजूद है। अगर किसी को शक हो तो पाकिस्तान इंडिया में जो एक पॉकेट साइज जंत्री छपती है, जिसको गालबन जंत्री ही कहते हैं, उसमें नमाज के औकात भी लिखे होते हैं और दुआएं वगैरह भी होती हैं, बाद में थोड़ी नमाज भी होती है। और खास तौर पर जो जंत्रियां हमारे कुछ खास अहबाब छापते हैं, उनमें हर साल, हर महीना, हर हफ्ता, हर दिन, हर तारीख में ये लिखा होता है कि आज फलां का उर्स है, आज फलां का उर्स है, फलां की बरसी है, फलां का, गोया के पूरे साल को हमने बिदात से भर रखा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे यहां लोग बड़ा आराम से कह देते हैं कि नहीं, ये बिदत हसना है, ये बिदत हसना है। और वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बात ले आते हैं, उन्होंने कहा था तरावी की जमात को बिदत हसना कहा था, जबकि तरावी की जमात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर वो जमात साबित ही ना होती तो बात अलग थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी की जमात साबित है, आपने उसको रोक दिया ताकि कहीं ये उम्मत पर फर्ज ना हो जाए और उम्मत के लिए मशक्कत का बायस ना बन जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने देखा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने तरावी की जमात का नए सिरे से आगाज करवाया, तो उसकी वजह ये थी कि अब वो खदशा टल गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अब ऐसा मुमकिन नहीं था कि अब तरावी मुसलसल करेंगे, जमात मुसलसल करेंगे तो फर्ज हो जाएगी, मामला खत्म। उन्होंने कहा कि अब बाजमात पड़ा करें, बजाय इसके कि तीन तीन चार चार की टोलियां पूरी मस्जिद में भरी हुई होती हैं, इसकी बजाय उन्होंने एक साहब का सुन्नत जिसको किसी मसलहत के तहत रोका गया था उसे दोबारा जारी करवाया। अब उस वाक्या को लेकर, उसमें उन्होंने जमात जब देखी एक इमाम पर सारे लोग एक इमाम के साथ इकट्ठे हैं, तो उन्होंने कहा नेमत अलबिदा तो हाजिरी कि ये अच्छा काम। अब कहां वो मामला और कहां हमारे ये जो आजकल के अमूर हैं, कहीं दूर पार की बात। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐसी बिदात हैं जिनका सिरे से सुन्नत रसूल में और खुल्फा राशिदीन के यहां और कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिलता, उन लोगों के, उन सुन्नतों के या उन आजकल जो सुन्नतें ही मानी जा रही हैं जिनका कहीं सबूत नहीं मिलता, उन बिदात को अब कहें कि नेमत अलबिदा उसके मुताबिक ले आएंगे या इसे हसना और सैया की तकसीम में डाल देंगे। अगर यही बात हो तो फिर आपके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा, वो खुतबा जो आप हमेशा इरशाद फरमाया करते थे और आज आप सुनते हैं, कम अज कम जुमा के खुतबा में वो खुतबा शामिल होता है। बाकी दुरूस में कोई उसकी पाबंदी करे ना करे, बाद दफा बिस्मिल्लाह से दर शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह से दर शुरू हो गया, इन अल्हम्दुलिल्लाह से दर शुरू हो गया, लेकिन जुमा में इस खुतबा का, खुतबा मसनूना का इल्तजाम किया जाता है। और उस खुतबा में ये अल्फाज मौजूद हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदत गुमराही है। और इसी पर बस नहीं फरमाया, वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली, हर बिदत जहन्नम में ले जाने वाली। अब बताइए, एक मौलाना किसी भी चीज को पकड़ के कह देते हैं कि ये बिदत हसना है, ये सैया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सामने रख लीजिए कि हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। अब थोड़ा सा ये देख लें कि बिदत है क्या, उसका वजूद कैसे है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिर्मिजी की एक हदीस में इरशाद फरमाया है, मन करा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसना तो अशरम सालिहा, जिसने एक भी हर्फ किताबुल्लाह का पढ़ा उसे 10 नेकियां मिलेंगी, जिसने एक भी हर्फ पढ़ा उसे नेकी मिलेगी और नेकी का बदला 10 गुना है। और साथ ही आपने इरशाद फरमा दिया, वला अकूलो अलिफ
लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अल्फ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ उन हर्फ व लाम उन हर्फ व मीम उन हर्फ, यानी अलिफ लाम मीम ये तीन हर्फ। कुरान करीम की तिलावत इतना बड़ा सवाब है कि आप अगर एक आयत पढ़ते हैं तो आप गिनती करके देखें कि कितनी नेकियां बन गई, और अगर उसी आयत को या तिलावत के एक सफा को जो आप पढ़ना चाह रहे हैं और आपको हिफ्ज है, कोई सूरत हिफ्ज है, वो आप सजदा में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि सजदा में अल्लाह बंदे के बहुत करीब होता है, तो मुझे शायद ज्यादा सवाब होगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा सवाब नहीं होगा, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद और सुनन दारमी में इरशाद फरमाया, इन्नी नुहीतु अन अक्रा अल कुरान राकेअन औ साजिदन, मुझे मना किया गया है कि मैं रुकू या सजदा की हालत में कुरान पढ़ता। इतना बड़ा नेकी का काम है, सिर्फ जगह बदल दी है, खड़े होके कुरान पढ़ें अजर व सवाब, और अगर सजदे की हालत में कुरान पढ़ें ममनू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया, और मैं और आप कौन है। बहरहाल हमारे यहाँ साल भर ही ये सिलसिला जारी रहता है, और ये दो महीने तो बतौर खास बड़े बड़े कामों के लिए मारूफ हैं, माह रजब है, माह शाबान है। माह रजब अब वो गुजरने के करीब है, आखिरी अय्याम को पहुंचा हुआ है, उसके शुरू में सलात रगाइब है, उसके शुरू में रोजा है, अल्फी रोजा, हजारी रोजा, मरियम रोजा, अब पता नहीं क्या क्या नाम रोजों के रखे हुए हैं, और 22 रजब को जो कुछ किया जाता है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 22 रजब गुजर गई है, उसकी तफसील में हम नहीं जाते, ये जो कूड़े भरे जाते हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं, कूड़े भरना, मिठाइयां बांटना, उसकी तारीख में ऐसी गलत सलत अहमक और बेअकल किस्म के लोगों की बनाई हुई हकायतों को ले लेना और दीन बना लेना, ये बातें लंबी हैं, उनको हम जिक्र नहीं करते। सिर्फ इतना कह देता हूं कि ये जो 22 रजब है, ये इमाम जाफर सादक के कूड़े भरते हैं कि 22 रजब को ना इमाम जाफर सादक पैदा हुए और ना 22 रजब को इमाम जाफर सादक फौत हुए रहमतुल्लाह अलैह। अब बताइए कि क्या करें इस 22 रजब की इस जो रस्म बनाई गई है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये जो बिदत याद की गई है, इस बिदत को क्या माने। नाम है इमाम जाफर सादक का, जबकि इमाम जाफर सादक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर ये कहूं कि इसका ताल्लुक जिस चीज से है, हमारे अहले सुन्नत भाई अगर थोड़ा सा गौर करें तो उन्हें समझ आए कि ये 22 रजब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का तारीख वफात, उनकी तारीख वफात 22 रजब है। अब 22 रजब को जो मिठाइयां बांटी जाती हैं, ये अहले सुन्नत की इजाद नहीं है, ये उधर से आई, उन लोगों ने खुशी मनाई कि यजीद का वालिद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, जबकि वो अजीम शख्स हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला, इस एतबार से खालुल मोमिनीन, मोमिनों के मामू, मां का भाई मामू होता है या नहीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बीवियां जो हैं वो उम्महातुल मोमिनीन है कुरान के हवाले से, कि वो मोमिनों की माएं हैं, मां का भाई मामू, उम्मत के मामू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साला, एक अजीम शख्सियत, उसके मरने पर महज इसलिए खुशियां मनाई गईं कि ये यजीद का वालिद, और यजीद जो है उन्हें पसंद नहीं बिल्कुल ही किसी भी एतबार से, उसको कुछ भी वो समझने को तैयार नहीं, गलती कुताही तो बात अलग है, कुछ भी समझने को लिए तैयार नहीं, लिहाजा उसके बाप के मरने पर ये खुशियां उन लोगों ने मनाई। और हमारे लोग जो हैं वो मुफ्त में ही रगड़े जाते हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और यकीनन गुनाह भी कमा रहे हैं, पैसा खर्च करके गुनाह कमा रहे हैं।
क्योंकि ये एक अजीम शख्सियत की मौत पर खुशियां मनाने वाली बात है। और आजकल ये सिलसिला जो है वो बड़े स्पेशल अंदाज से, पहले वो जो कहते हैं ना रजब के कुंडे, अब वो कुंडे मुंडे नहीं, बड़े स्पेशल अंदाज से हलवे, बड़े स्पेशल अंदाज से मिठाइयां, पहले टोकरे भर के मिठाइयां लाते हैं, फिर छोटी छोटी प्लेट्स में उनको सेट किया जाता है, ऊपर कवर दिया जाता है, फिर वो यानी आज के दौर में ये बिदत भी बहुत तरक्की करती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे भाइयों को हिदायत अता फरमाए, बिल्कुल इन चीजों की वो परवाह ही नहीं करते कि ये क्या होने जा रहा है। और जहां तक ताल्लुक है अब इस रजब के महीने की, जो अभी एक आध चीज आने वाली बाकी है, और वो है माह रजब की 27 तारीख। माह रजब की 27 तारीख 22 निकल गई, कूंडे मुंडे जिन लोगों ने बांटने थे बांट लिए, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने अहले सुन्नत होने का सबूत दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अजीम सहाबी की मौत पर खुशी किस लिए मनाएंगे। उन्होंने कहा हमने मान लिया, कर रहे हैं। अब रहा 27 रजब को शबे मेराज के सिलसिला में बड़ा जश्न होता है, बड़ी तैयारियां की जाती हैं, बड़ा कुछ किया जाता है। जबकि अगर सही पूछें तो 27 रजब की तारीख तय नहीं, और 27 तारीख तो दूर की बात है, 27 रजब का जो महीना रजब है, रजब भी तय नहीं कि ये मेराज जो है वो माह रजब में करवाई गई थी। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, इमाम हैं, उन्होंने इमाम इब्ने शहाब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबई हैं उनका कौल नकल किया है, उस्रिया बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबला खुरूजही इलल मदीना बिसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं तो हिजरत से एक साल पहले आपको मेराज करवाई गई। इमाम सुद्दी बड़े मशहूर मारूफ मुफस्सर हैं, उन्होंने भी यही कहा, लैला उसरिया बही कबला महाजर ही बिसत्तत आशर शहर, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई हिजरत से 1.5 साल पहले। इमाम इब्ने शहाब ने साल कहा, इन्होंने 1.5 साल कहा, और अगर 1 साल पहले और 1.5 साल पहले को देखा जाए तो फिर ये अंदाजा करना आसान है कि ये तारीख मुत्तफ़िक अलैह हो नहीं सकती, और ये महीना भी मुत्तफ़िक अलैह नहीं। मारूफ एक रिवायत है, उस रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज करवाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, ये सारी चीजें रबीउल अव्वल में वाकई हुई। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अलबिदाया व निहाया अपनी मारूफ तारीख इस्लाम में ये बात जिक्र किया कि ये सारे उमूर, सारे बड़े बड़े वाकियात जो हैं ये माह रबीउल अव्वल में पेश आए। और सिर्फ माह रबीउल अव्वल एक ही नहीं, बल्कि कहा गया कि माह रबीउल अव्वल में मेराज कराई गई, माह रबीउल थानी में मेराज कराई गई, रजब में मेराज करवाई गई, शव्वाल में मेराज करवाई गई, जुल्कादा में मेराज करवाई गई, जुल्हज्जा में मेराज करवाई गई। अब अंदाजा कीजिए कि ये कितने महीने बनते हैं, ये 5-6 महीने हैं। इन 6 महीनों में से किसी ने कहा इस महीने में, किसी ने कहा इस महीने में। अब जो चीज अहले इल्म में मुत्तफिक अला नहीं है कि ये कौन सा महीना था, तो तारीख कहां से मुत्तफिक अला हो सकता है। लेकिन अगर ये मान ही लिया जाए, अगर ये मान ही लेते हैं कि रजब ही थी, महीना रजब का ही था और तारीख रजब ही की 27 थी, अगर ये मान भी लेते हैं तो अब हम जो कुछ करते हैं क्या उसकी कोई बुनियाद, उसकी कोई हकीकत, उसका कोई सबूत, उसकी कोई दलील मौजूद है? उस रात को
जो सबसे पहला काम किया जाता है वो है चरागाह। चरागाह बड़े जोर शोर से की जाती है, जबकि चरागाह करना और ये मोमबत्तियां जलाना और हर जगह मोमबत्तियों से रोशनियां करना, ये कहां से शुरू हुआ? इस रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने वाले थे, उन्होंने ऐसा ना किया। उनको क्या मोमबत्तियों के लिए पैसे नहीं मिलते थे? उनको झंडियां लगाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे? अगर ये मान ले कि मक्का मुकर्मा के जमाना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माली तौर पर कुछ कमजोर थे, सहाबा कमजोर थे, मदीना में तो कैसर और किसरा के खजाने आ गए थे, वहां तो माली कमजोरी वाली बात नहीं रही थी। लेकिन कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि मेराज के वाका के पेश आने के बाद खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल जिंदा रहे, आपने कभी ये काम किया हो जो आज हम कर रहे हैं, सहाबा इकराम ने कभी ये काम किया हो जो हम कर रहे हैं, ऐसा कभी साबित नहीं होगा। ताबईन तबा ताबईन चारों आइमा इकराम, उनमें से किसी ने भी ये काम नहीं किया। चरागाह का आगाज कब हुआ, चरागाह की तारीख असल में क्या है? ये चरागाह आतिश परस्तों की ईजाद है। हारून मारूफ खलीफा गुजरा है, हारून के जमाने में उसके दफ्तर में या उसके दरबार में काम करने वाले दो शख्स थे, याहिया बिन खालिद बरमकी और दूसरा एक उसका भाई था, ये दोनों भाई मोहम्मद बिन खालिद बरमकी, मोहम्मद और याहिया, ये खानदान मरमका के दो शख्स हैं। ये जो याहिया है ये वजीर था हारून रशीद का, और खालिद जो है मोहम्मद बिन खालिद जो है वो शाही दरबार का दरबान था। दोनों बड़े ओहदों पे फायज हैं और दीनी उमूर के ये मसूल थे। इन्होंने अपनी मजूसियत, अपनी आतश परस्ती को हारून पर पेश किया, कहा कि ये जो बैतुल्ला शरीफ के गिलाफ को खलूक लगाया जाता है और ये इत्र वगैरह लगाए जाते हैं, इसकी बजाय अगर हम वो अंगीठियों में कोयला डालकर उसके ऊपर ऊद डालकर अगर हम बखूर किया करें तो कैसा? वो इनको समझता था कि ये क्या है, वो इनके बहकावे में नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये काम उन्होंने शुरू कर दिया और इसको इस अंदाज से लोगों के सामने पेश किया कि ये सुन्नत और सवाब समझें और करें, और वो सिलसिला जो है वो बाकायदा शुरू हो गया। और आपके इल्म है कि ये बातनी फिरका बातनिया के लोग थे, इन्होंने ये चरागाह इजाद किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुल्फा राशिदीन से, सहाबा किराम से। ये कहीं से भी साबित नहीं है, ना ये पहले जो वक्त गुजरते हैं या जब भी हमारे यहां ये सिलसिला चलता है चरागाह का, ना किसी दूसरे मौके पर साबित है, ना ही ये 22 रजब को साबित है और ना ही ये 27 रजब को साबित है। और जहां तक ताल्लुक है हमारा रातों को नमाजें अदा करने का, दिन को रोजा रखने का, दिन को रोजा रखा जाता है और रात को नमाज अदा की जाती है, इस रात में कोई नमाज खास नहीं है, इस दिन में कोई रोजा खास नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसा किया होता तो सहाबा इकराम जिन्होंने आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा नकल कर दिया है वो यकीनन नकल कर देते। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किरसाले में कहा है कि उन्होंने हर चीज नकल कर दी, अगर ये हुआ होता, ये हो रहा होता तो यकीनन सहाबा इकराम जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को भी यकीनन वो नकल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जहां तक ताल्लुक है माह शाबान जो करीब ही आ रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी तज़किरा कर दें कि माह शाबान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीजें साबित हैं वो है बकसरत रोजे रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में बकसरत रोजे रखा करते थे। माह शाबान शुरू हो रोजे रखिए, पूरा महीना नहीं लेकिन
जितना भी हो सके जितनी तौफीक मिले रोजे रखिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से सही बुखारी सही मुस्लिम और बाद दीगर कुतुब में ये मरवी है कि काना यसूमु हत्ता नकूल ला यफ्तर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुसलसल रोजे रखे जाते कि हम समझते कि आप रोजा छोड़ेंगे नहीं। व युफ्तर हत्ता नकूल ला यसूम, आप रोजा छोड़ देते हमें लगता कि आप अब रोजा रखेंगे नहीं। और साथ ही वो कहती हैं मा रअयत रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला शहरन कत्तो इल्ला रमदान, मैंने कभी नहीं देखा कि आपने रमजान के अलावा किसी भी महीने के पूरे रोजे रखे। वमा रअयतुहु फि शहरिन अक्सर मिन्हु सियामन फि शाबान, और माह शाबान में आप जितने रोजे रखते थे इतने रोजे आप किसी दूसरे महीने में नहीं रखते। और इसकी वजह क्या है? माह शाबान में इतने कसरत के साथ रोजे रखने की वजह क्या है? सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिला में, इस अमल के सिलसिला में वजह और सबब बताना मौजूद है। आपने फरमाया ज़ालिका शहर यग़फ़ुलु नासु अन्हु बैन रजब व शाबान, ये वो महीना है बैन रजब और रमदान, ये शाबान वो महीना है कि जो रजब और रमजान के दरमियान है और लोग गाफिल हैं इससे, यानी इस महीने में रोजे वगैरह नहीं रखते, इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। शाबान की वजह तो सीएम यही है कि वो निकल जाते थे इधर उधर और रोजा इबादत वगैरह ये सरंजाम नहीं देते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इससे गाफिल हैं लेकिन मैं इसमें रोजा बकसरत रखता हूं। और वजह क्या है? वह शहर तुरफा फीह अमाल इला रब्बिल आलमीन, ये वो महीना है कि जिसमें लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं, अल्लाह की तरफ उठाए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। फअहिब्बु अन युरफा अमली व अना साइम, और मैं चाहता हूं कि मेरा अमल अल्लाह के हजूर पेश हो और मैं उस वक्त रोजे की हालत में। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह बताई कि इस महीने में बंदे के आमाल अल्लाह के यहां पेश होते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे आमाल जब अल्लाह के हजूर पेश हो तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में। और एक दूसरी वजह अहले इल्म ने बताई है कि शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोजे इसलिए रखा करते थे कि आपके यौमुल इस्नैन यौमुल खमीस जुमेरात और पीर के हफ्ते के दो रोजे जो हैं वो छूट जाया करते, और अय्याम बीज 13, 14 और 15 के ये तीन रोजे जो हैं वो छूट जाया करते। जो छूटे हुए रोजे थे आप शाबान में बकसरत रोजे रख कर वो कमी पूरी कर लिया करते थे। और एक तीसरी वजह यह बयान की गई है कि उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद होने की वजह से अपने छूटे हुए फर्ज रोजे जो रमजान से छूटे हैज की वजह से वो छूटे हुए फर्ज रोजे भी अभी नहीं रख रही होती थी। शाबान में आप बकसरत रोजे रखते ताकि वो अपने फर्ज रोजे रमजान से पहले पहले पूरे कर लें। ये तीन वजूहात बयान की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इस महीने में बकसरत रोजे रखते थे। और हमारे यहाँ रोजे रखना तो दूर की बात है, बस हमें एक ही धुन है कि 15 शाबान आने वाली है, 15 शाबान का रोजा भी रखेंगे, 15 शाबान को रात को भी क्या क्या कुछ करेंगे, वो सारी चीजें जो है हम बड़े जोर शोर से करते हैं। सारा साल रोजे पड़े हुए हैं, नफली रोजे, एक दिन रोजा, एक दिन छुट्टी, सौमे दाऊदी, यौमुल खमीस यौमुल इस्नैन, पीर जुमेरात दो रोजे, अय्याम बीज 13, 14, 15 के तीन रोजे। कितने रोजे आप नफली रखना चाहते हैं? साल भर के अंदर ये रोजे बकसरत मौजूद हैं, लेकिन आप सारा साल तो रोजे को हाथ ना लगाएं और 15 का रोजा समझना रखना जरूरी समझ लें तो ये बात सही नहीं है। इस रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस साबित नहीं, मखसूस 15 शाबान के लिए। अलबत्ता कोई आदमी एक दिन रोजा एक दिन छुट्टी कर रहा है, एक दिन जो रोजे का आ रहा है 15 का आ गया रोजा रख ले, एक आदमी पिछले महीनों से भी 13, 14, 15 के रोजे रखता आ रहा है वो शाबान का भी रखे,
एक आदमी जुमेरात और पीर का रोजा रखता आ रहा है, जुमेरात या पीर 15 शाबान को आगे वो भी रखे, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं करता और सिर्फ 15 शाबान का रोजा रखना चाहे, इसकी कोई दलील नहीं है। और हमारे यहाँ इसको ये कह दिया गया कि ये लैलतुल कदर है या शब कदर का नाम दिया गया। शब कदर लैलतुल कदर एक बात, फारसी में शब कदर, अरबी में लैलतुल कदर। और लैलतुल कदर जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसले करता है, जैसा कि हमारे यहाँ लोगों ने समझ रखा है कि 15 शाबान में अल्लाह फैसले करता है। आपको शाबान शुरू होते ही ऐसे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, भाई माफ कर देना, पता नहीं अगले साल होंगे नहीं होंगे, शाबान के बाद हम बचेंगे नहीं बचेंगे, लोग माफी तलाफी करते फिर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, शाबान के महीने की 15 तारीख की लैलतुल कदर नहीं है। और इस बात का सबूत किसी मुहद्दिस मुफस्सिर किसी मुफ्ती किसी इमाम से नहीं, कुरान करीम से मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से मौजूद है। और अगर आप सिर्फ कुरान करीम पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में सूरतुल बकरा में फरमाया है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरआन, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये सूरतुल बकरा की आयत 83 है, शहर रमजान 83 है, आगे फिर आके कुरान का जिक्र। तो यहां पहले ये बात के शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहि अल-क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातुन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शाहिद मिनकुम शहरा फ़लयसुम, हो ये आयत 183। अल्लाह ने फरमाया कि रमजान में कुरान नाजिल हुआ। आखिर कुरान के लैलतुल कदर के बारे में सूरतुल कदर नाजिल फरमाई, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतुल कदर, हमने इस कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। अब महीने से एक रात आ गई, पहले महीने में फिर एक रात में, और वो रात जो है कौन सी है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वो रात सूरह दुखान पढ़ के देखें। बिल्कुल शुरू में आप पहली 5 आयतें पढ़ें, हामीम वल किताबुल मुबीन, हामीम वल किताबुल मुबीन, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़रीन। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस कुरान करीम को मुबारक रात में नाजिल किया है और हम लोगों को मुतनब्बे करना चाहते थे, वफीहा लोगों को मुतनब्बे करना चाहते थे, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, और इसी रात में हकीमाना फैसले सादर होते हैं, अमरन मिन इंदना हमारे हुक्म से। तो जिस रात में हकीमाना फैसले होते हैं, किसकी मौत आ जाएगी, किसके यहाँ बच्चा पैदा होगा, या जो बड़े बड़े हकीमाना फैसले हैं जिसकी वजह से आज हम लोगों से माफियां मांगते फिर रहे होते हैं, ये काम रमजान और मुबारक में किया जा सकता है, शाबान में नहीं। शाबान जो है इसमें ये लैलतुल कदर नहीं है। ये कुरान करीम के 3 मकाम है जिनमें ये बात बिल्कुल वाज़ह कर दी जाती। और फिर इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने कहा है, मन काला इन्नहा लैलत निस्र में शाबान फकद अब अद नजा। कुछ लोगों ने कहा है कि ये 15 शाबान है, वो कहते हैं जो 15 शाबान कहता है वो बहुत दूर की कोड़ी लाता है, बिल्कुल सही बात नहीं। थोड़ी सी बात और करके फिर आपको मौका देते हैं सवाल जवाब का। इस शाबान को खास तौर पर शाबान की 15 तारीख वाली रात को, जिसे लैलतुल कदर या जिसे शब कदर कहा गया, जिसे शब बरात भी कहा गया, इस शब बरात के मनाने के 6 तरीके मरवज और मारूफ हैं। एक हो गया चरागा और आतिशबाजी, उसके बारे में हमारी बात हो गई है, और दूसरा हो गया रोजा रखना, इसके बारे में भी हमारी बात हो गई है, रात का क्याम करना, इसके बारे में भी हमारी बात हो गई। अब 2 चीजें बचती हैं, 3। एक है इस रात को हलवा पकाना और खाना। हलवा पकाना खाना अच्छी बात है, जायज है, हलवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, आप खाया करते थे,
लेकिन खास इस रात में हलवे का क्या ताल्लुक है? आखिर कोई ना कोई वजह होगी और है, लोगों ने बना रखी है, असलन नहीं लेकिन बना रखी है। कहते हैं जी 15 शाबान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, कोई सख्त चीज खाने की पोजीशन में आप नहीं थे, आपके लिए हलवा तैयार किया गया था। अब यहां तारीख को जानने वाले, सीरत पर नजर रखने वाले लोग तो जानते हैं, और जिनके इल्म में नहीं है उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि दंदाने मुबारक कब शहीद हुए? गजवाए उहद के मौका पर। और गजवाए उहद तारीख शाहिद है कि गजवाए उहद शाबान में नहीं हुआ था, गजवाए उहद शव्वाल में हुआ, शाबान आगे रमजान आगे शव्वाल, शव्वाल में गजवाए उहद हुआ। और हमारे भाइयों ने 2.5 महीने पहले ही अपनी हलवाखोरी की सुन्नत के बारे में कार्रवाइयां शुरू कर दी। अभी 2.5 महीने बाकी बनते हैं, कमोबेश 2.5 महीने बनते हैं, और उससे पहले ही ये जी दांत मुबारक टूटे थे और शहीद हुए थे, और इसलिए, जबकि वो बात भी नहीं है, ये भी इनकी अपनी तबीयत, अपना मिजाज, हलवा खोरी की आदत, ये उन्हीं में से है, शरीयत तो सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक काम और किया जाता है, घरों की सफाई सुथराई की जाती है, सफाई सुथराई बहुत अच्छा काम है, इस्लाम ने सफाई सुथराई करने, सफाई सुथराई रखने का हुक्म दिया है, और अत्तहूर और निस्फुल ईमान शत्रुल ईमान के अल्फाज हैं कि तहारत निस्फ ईमान है, कोई नहीं रोकता, कीजिए रोज कीजिए, लेकिन सिर्फ 15 तारीख को क्यों करते हैं? सफाई सुथराई, घर को खुशबू, अगरबत्तियां, कहते हैं जी रूहें वापस आती हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम जो है वो रूहों को वापस भेजने का नहीं है कि ले भी गया और फिर उनको वापस भी भेज रहा है, कुछ इसके बारे में और बातें भी कही जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और एक तरीका, छठा तरीका जो है वो ये है कि लोग इज्तमाई शक्ल में कब्रिस्तान जाते हैं, यानी एक एक अकेला अकेला नहीं, बाकायदा मिलके और अपने साथ पूरी बारात लेके और बड़ा कुछ करके। पिछले सालों में कई ऐसे वाकयात पेश आए, आपके इल्म में होंगे। ये तरीकाकार कब्रों की ज्यारत का नहीं है, कब्रों की ज्यारत की इजाजत दी गई, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शुरू में आपने मना कर दिया था, इस्लाम के आगाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था कि कब्रों की ज़ियारत के लिए मत जाओ, मर्दों को, औरतों को, सबको। और फिर आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, फ़ज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये आखिरत की, ये मौत की याद दिलाती। अब अंदाजा करें कि जिस अंदाज से हमारे लोग इज्तिमा, एक बड़ा पूरी रैली लेकर और लालटेनों से और जगमगाती मोमबत्तियों से, और किस अंदाज से कब्रिस्तान को भी जगमगाया गया होता, क्या इससे इबरत हासिल होने की कोई शक्ल बनती है? कब्रिस्तान में जाएं, कब्रिस्तान में अंधेरा हो, कब्रिस्तान वालों में जो वासी हैं कब्रों के, जो वहां रहने वाले हैं, उनकी कब्रों की हालत को देख के आदमी को इबरत होगी कि कल हमें यहाँ आना है। जिस अंदाज से हम जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वाकई कोई बारात पे आया हुआ है, बारात पे जा रहा है। ये तरीकाकार जो अपनाया गया है, ये तरीकाकार भी सही नहीं है। शाबान से ताल्लुक रखने वाली जो अहम तरीन बात है वो ये है कि बकसरत रोजे रखें और बस। इसके अलावा जो कुछ भी हमारे यहाँ किया जाता है वो सारी खुराफात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे और आप सब लोगों को इन चीज़ों से महफूज रखे, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बिदात और खुराफात से बचा के रखे। मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारा कहा सुना और आपका सुना इस सब पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।